करो, ठीक है। Watch out. अरे निकाल लो बनकर, फिनिश करेगा मादर चोदी। तो हेलो गाइस, क्या हाल चाल। तो आ चुके अपने एक और न्यू वीडियो के साथ वापस, और आज का गेम प्ले होने वाला है बहुत ही खतरनाक। क्योंकि देखो, जो रेंडम टीममेट होते हैं इनके बारे में मैं इस गेम प्ले में पूरा दिखाने वाला हूँ, कितने कमीन किस्म के लोग होते हैं यार। वैसे तो गाली पकना नहीं चाहिए, लेकिन यार देना ही पड़ेगा, क्योंकि आप लोग देखना ये जो रेंडम टीममेटों ने मेरे साथ आज किया ना भाई, बहुत ज्यादा बुरा लगा भाई, दिल से बुरा लगा। ठीक है, सबसे पहले मैं टेम्पल पे आता हूँ रिकॉल लेने के लिए, क्योंकि रिकॉल लेना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अब रिकॉल लेने के बाद मैं इधर रुकता नहीं हूँ, क्योंकि रुकने का मतलब नहीं था, क्योंकि बंदे पहले से ही बहुत सारे भरे पड़े थे यहाँ पे, बहुत ज्यादा भसड़ हो रही थी। तो मैं इधर से कल्टी मार लेता हूँ, मैं देखता हूँ, चलो भाई शेल्टर में जाएंगे, थोड़ी सी लूट वूट करेंगे और सर्वाइवल निकालेंगे चौथे जोन तक। तभी लेफ्ट में मेरे को बोट की फायरिंग वायरिंग आ रही थी, मैंने देखा चलो भाई ये तो सोने पे सुहागा हो गया, अपने को यहाँ पे बोट का किल भी मिल जाएगा, तो की करूंगा तो कुछ ज्यादा प्लस होंगे। अब यहाँ पे प्लस तो मेरे नियत में थी कि प्लस ही करना, सबकी नियत में प्लस ही करना होता है, लेकिन देखो मेरे साथ सीन क्या करता है एक रेंडम टीममेट। ठीक है, यहाँ पे मैं शेल्टर के अंदर आता हूं, लेकिन यहाँ पे फुस्टेप आ जाता है मेरे को। अब यहाँ पे पता चलता है कि दो बंदे पहले से शेल्टर के अंदर हैं। अब मेरे को भाई पता चल गया था, तो अब चलो भाई इनको बजाने की पूरी पूरी ट्राई करते हैं। सबसे पहले मेरे को एक बंदा दिखा, उसके बाद दूसरा वाला भी दिख ही जाता है। तो देखो, अब इसको मैंने थोड़ा सा डैमेज किया, तभी इसका दूसरा टीममेट अंदर घुस गया था। अब मैं इसको फिनिश करने की ट्राई नहीं करता हूँ, क्योंकि अगर मैं फिनिश करने की ट्राई करूंगा तो वो देख रहे हो भाई सामने एकदम स्कोप खोल के बैठा हुआ है, वो मुझे निपटा सकता है। और ये नेड यातर वो हो जाता है बूम, इसकी पेटी से अच्छी खासी लूट ले लेता हूँ दोनों की, और आराम से यहाँ पे होल्ड करने लग जाता हूँ। अब यहाँ पे पहला जोन था, तो ये जोन कटता है और यहाँ पे बन जाता है एकदम दूसरा जोन। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरा जोन बन जा भाई जल्दी से, क्या ही टाइम वेस्ट कर रहा है। अब यहाँ पे दूसरा जोन बन गया था, मैंने देखा चलो कोई दिक्कत की बात नहीं है, यहाँ पे चौथे जोन तक जोन के अंदर रहूंगा, क्योंकि हीलिंग वीलिंग का सामान बहुत सारा बटोर रखा था। अब यहाँ पे मैं हील वील करता रहता हूँ, बैंडेज मारता रहता हूँ, तभी मेरा टीममेट मतलब रेंडम टीममेट हो जाता है नॉकआउट। अब यहाँ पे मैं उसके लिए सोचता हूँ कि भाई उसका माइनस ना हो जाए, उसको मैं रिकॉल कर ही देता हूँ, क्योंकि यार थोड़ी देर के अंदर यहाँ पे जोन बंद होने वाला है। अब यहाँ पे 34 सेकंड के अंदर जोन बंद हो जाता है और रिकॉल भी बंद हो जाता है, इसलिए मैं आ जाता हूँ रिकॉल करने के लिए। मैंने देखा यार उस बंदे का माइनस ना हो जाए, क्योंकि यार मुझे पता है कि प्लस करने में कितनी मेहनत लगती है। अब इस बंदे को नहीं पता था यार, क्योंकि इसने मेरा बहुत गंदा माइनस लगवा दिया, माइनस ही कह सकते हैं, क्योंकि यार तुम्हारे भाई के पास सब कुछ होने के बाद भी, गाड़ी में भाई 10-10 फर्स्ट एड भरने के बाद भी तुम्हारे भाई का यहाँ पे माइनस लग जाता है। अब यहाँ पे मैं लूट वूट करने लग गया था, ये बंदे क्या करता भाई यहाँ से गाड़ी लेके कल्टी मार लेता, जो मैंने सोचा भी नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे ये तीसरा जोन बन जाता फटाफट से, मैंने देखा चलो भाई तीसरा जोन है कोई दिक्कत की बात नहीं, उतना तेज काटेगा नहीं, पांचवें चौथे जोन में मैं निकल जाऊंगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने सोचा ये गाड़ी में मेरे को बैठाएगा, मैं फ्यूल की टंकी जैसी उठाता हूँ, ये बंदा तो गाड़ी लेके भग गया। मैंने देखा ओ भाई साहब ये क्या कर रहा है, माइक ऑन करके उसको मैंने बोला कि भाई गाड़ी लेके क्यों भग गया, गाली वाली तो मैं देता नहीं हूँ, लेकिन यार वो बंदा भग गया और मेरे को लेने भी नहीं आया। उसके बाद मैं बहुत देर के बाद इधर उधर गाड़ी ढूंढने लग गया, उसके बाद मैं सोचा कि टेम्पल पे चल चलता हूँ, क्योंकि भाई टेम्पल पे हमेशा ही ना गाड़ी वाड़ी मिल जाती है, लेकिन गाड़ी टेम्पल पे भी नहीं मिलती है, और यहाँ पे ये चौथा जोन जाता है। अब यहाँ पे चौथा जोन हो चुका था, मैंने देखा भाई इसके बाद तो बहुत तेज काटेगा, और पांचवा जोन भी शुरू हो गया था और काटना भी शुरू कर दिया था। अब उस रेंडम टीममेट तो जाके जोन के अंदर बैठ गया, लेकिन तुम्हारा भाई जोन के बाहर ही भाई नॉकआउट हो गया। इतनी मेहनत करने के बाद मैंने उसको बचाया, लेकिन उसके दिमाग में बिल्कुल भी नहीं आया कि वो बंदा जोन में आएगा कैसे। यार ऐसा नूब बंदा भी नहीं था यार, केडी भी ठीक ठाक थी इस बंदे की, चलो मैं देख के दिखाता हूँ आप लोग को, केडी वेडी सब कुछ सही थी, लेकिन इस बंदे ने पता नहीं क्यों ही किया मेरे साथ ऐसा। यार आप लोग बताओ कमेंट सेक्शन में, आप लोग भी किसी ना रेंडम टीममेट के साथ ऐसा कभी करते हो। मैंने तो भाई अच्छे एकदम दिल के पक्के इरादे से, 9 प्लस हुए इस बार, तो एकदम पक्के इरादे से मैंने देखा चलो भाई भाई का माइनस ना हो जाए और मैं इसका प्लस करवा देता हूँ, लेकिन ये बंदा तो बहुत कमी ना निकला, #24 में मेरे को लोबी भेज दिया यार, हद हो गई। अब यहाँ पे दूसरा मैच लगाता हूँ, दूसरा मैच भी एक ऐसा रेंडम आया था, वो भी कुछ कम नहीं था भाई, इनसे ज्यादा ही था वो भी। अब वो तो मतलब मरवाता नहीं है, लेकिन हाँ वो भी मरवा ही दिया ऐसा ही समझ लो। हम लोग इस साइड टेम्पल पे उतरे थे सीधा, मैंने देखा चलो भाई इस साइड मेरे को एक जगह मिल गई है पहले से ही, तो आराम से किल विल निकलेंगे। ठीक है, उतरते ही गन वन लग गई थी, और मेरे साथ तो ग्लिच होता ही थोड़ा बहुत, तो वो होने के बाद मैं इस साइड में देखता हूँ तो एक बंदा किसी के ऊपर फायरिंग वायरिंग कर रहा था, तो ये बंदा नॉक हो गया था, तो इसको फटाफट से फिनिश कर देते क्योंकि किल तो लेना जरूरी है।
अब इसको मारने के बाद मैं आगे की तरफ बढ़ता हूँ, लूट वूट करता हूँ, तभी जो मेरा रेंडम टीममेट था ये किसी से फाइट वाइट लेने लग जाता है। तो मैंने देखा चलो भाई अब इनको जाके बजाते हैं। एक बंदे को इस बंदे ने नॉक भी किया, लेकिन दूसरा वाला बंदा मेरे टीममेट को नॉकआउट कर देता है, क्योंकि एचपी कम रहती है अपने टीममेट की और हील विल करता नहीं है जब तक दूसरा वाला उसको नॉकआउट कर देता है। अब मैं उसको उनको मारने के लिए जाता हूँ, लेकिन वहाँ पर फुल स्मोक हो रखा था, मतलब फुल धुआंबारी। राइट में एक बोर्ड भाई साहब आ जाते हैं, तो सबसे पहले इसको निपटा देते हैं। अब मैंने देखा इधर स्मोक हो रखा भाई, बाद में जाऊंगा क्योंकि पीछे की तरफ से एक और बोर्ड भाई साहब आ रखे थे, तो इसको भी मार देते हैं फटाफट से। अब इसको मारता हूं, तभी यहां पे पेटी वेटी लूटता हूं, तभी एक बंदा उड़कर आता है मेरी तरफ में। अब देखो इसको कैसे बजाते हैं। अब ये बंदा आके थोड़ा सा मेरे को डैमेज करने की ट्राई करता है, लेकिन खुद ही ज्यादा डैमेज खा लेता है। उसके बाद ये बंदा रिलोड करता रहता है, मैं पुश कर देता हूं और इसको फटाफट से फिनिश कर देता हूं। अब इसको तो मार दिया, तभी सामने वाले दो बंदे रहते हैं, वो कर देते हमारे पे पुश, जिसने हमारे टीममेट को मारा था। तो पहला वाला नॉक गया जिसको मेरे टीममेट ने नॉक किया था, दूसरे वाले को टन मार देता हूँ, वो भी बंदा खत्म हो जाता है। अब यहाँ पे मैं हील विल करता हूँ, यहाँ तक एकदम बहुत अच्छा मैच चल रहा था भाई, 6 किल भी हो गए थे, मतलब अभी इनको फिनिश करूंगा तो 6 किल तो हो ही जाएंगे। अब इनको 6 किल तो हो गए थे, मतलब हमारे, अब मैं थोड़ी सी यहाँ पे लूट के लालच के कारण किसी एक बंदे के हाथ से AMR खाने वाला हूँ। एक बार में तो बच जाता हूँ, लेकिन दूसरी बुलेट मुझे पता नहीं कैसे लग गई, मुझे भी नहीं पता चला यार, आप लोग बताना, शायद पिंग इशू होगा क्योंकि 170 का तो पिंग है ही। ठीक है, अब यहाँ पे मैं रुके रहता हूँ, 1 AMR पड़ती है मेरे को भट से। अब यहाँ पे 1 AMR में तो डैमेज हो जाता हूँ मैं। अब मैंने देखा चलो भाई कोई नहीं, कवर के अंदर हूँ, तभी एक और AMR पड़ जाता है। मैंने देखा भाई ये क्या सीन है यार, एकदम कवर के आने के बाद, मतलब कवर में आ गया तब भी 1 AMR पड़ गया। मैंने देखा कोई दिक्कत की बात नहीं, अपने पास रिकॉल है, तो वो बंदा सीधा उड़न खटोला से उड़ के आता है, अपना टीममेट बहुत दूर था तो कोई दिक्कत की बात नहीं, यहाँ पे अपने पास रिकॉल था और मैं रिकॉल हो जाता हूँ। तब यहाँ पे एक रेंडम टीममेट जो अपना था, वो बंदा एक बोट को मार रहा था और मैंने उतरते उस बोट को मार दिया। अब इसके कारण ये गुस्सा हो जाता है, गाली वाली देने लग जाता है और यहाँ से जो गाड़ी थी इसको लेके भग जाता है। उसके बाद मैं गाड़ी लेके अपने टीममेट के पास जाता रहता हूँ, तभी उसके ऊपर बंदे आ जाते हैं और उस बंदे को, मतलब अपने टीममेट को नोक कर देता है। अब मैंने देखा चलो कोई बात नहीं यार, मैं तो यहाँ पे आराम से प्लस कर लेता हूँ, क्योंकि वहाँ पे जाने का कोई मकसद लग नहीं रहा था। ठीक है, अब यहाँ पे मैं इजिली शेल्टर आता हूँ, मैं देखता हूँ यार पहले अंदर जाके चेक कर लेता हूँ, उसके बाद आराम से जाके लूटूंगा और आराम से होल्ड कर लूंगा। अब यहाँ पे एक बंदा कैंप करता रहता है, मुझे पता नहीं था यार कि कैंप कर रहा हो। अब यहाँ पे मैंने डैमेज खा लिया, अब वो बंदा नेड कुक कर लेता, मेरे पास ग्रेनेड था नहीं तो मैं हील वील करता रहता हूँ, फिर मेरे को याद आता यार वो नेड कर ही रहा होगा, तो मैं इधर से भग जाता हूँ। तभी नेट गिरता, अब नेट गिरने के बाद वो बंदा कर देता है मेरे ऊपर पुश। ठीक है, अब ये सामने की तरफ ब्रोकन पे रुकता है, मतलब वो जो डब्बा दिख रहा है वहां से वो नेट कुक करता है। अब यहाँ पे तुम्हारा भाई 1v1 लेने चला जाता है और मेरी पेटी बन जाती है। अब यहाँ पे 2 मैच तो खराब हो गए थे, तीसरा मैच में प्रिंस भाई आ जाते हैं और फिर देखो ये वाला मैच कितना इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि हम लोग सीधा रिकॉल पर आते हैं। मैंने देखा चलो भाई इस बार तो अपन सबसे पहले आए हैं और इधर से भाई पूरी बहुत ज्यादा किलविल लेने की ट्राई करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है भाई, जो भी बंदा आता है यहाँ पे रिकॉल लेके कल्टी मार लेता है और सिर्फ बस अपने पास ये बोट भाई साहब। तो इस बोट भाई साहब को निपटाता हूँ, उसके बाद इधर से बहुत देर तक जोन के अंदर बैठे रहता हूँ, उसके बाद इधर से कल्टी मारता हूँ, 5वें जोन के अंदर हम लोग जोन में एंटर कर जाते हैं। अब यहाँ पे सामने की तरफ बंदे फाइट चल रही थी, इस बंदे ने सबको मारा था, तो हम रुकते और इस बंदे को निपटा देते हैं। उसके बाद हम लोग इधर से कल्टी मार लेते हैं क्योंकि ज्यादा खुले में थे, हमने देखा चलो भाई लेफ्ट में जाएंगे, आराम से थोड़ा सा रिज के नीचे रह के खेल लेंगे। अब यहाँ पे लेफ्ट में जाता हूँ और आराम से यहाँ पे इजिली उतरने लग जाता हूँ। मैं देखा चलो भाई इधर तो क्लियर है, थोड़ी देर तक यहीं पे होल्ड कर लेते हैं। तभी 2 बंदों का पुश हो जाता है हमारे ऊपर। अब देखो एक को मैं यहाँ पे नॉक करता हूँ, पीछे वाला ओग वाला बंदा प्रिंस भाई को नॉक कर देता है, अब मैं इसको फटाफट से फिनिश कर देता हूँ और ये बंदा करने लग जाता है हमारे पे पुश। अब देखो उसको तुम्हारा भाई कितना खतरनाक मारने वाला, क्योंकि अगर यहाँ पे उसको मारता नहीं तो प्लस कम होते, माइनस तो नहीं होते क्योंकि, लेकिन प्लस थोड़े कम होते। तो ये ग्रेनेड फूटता उसके मुंह पे, अब 1v1 लेना ही था भाई इसको, चल देखो अब कैसे बजाता है उसको। अब इसी के साथ मैं मारते कवर में आ जाता हूँ और वो बंदा निपट जाता है। रिवाइव वाइव करते हैं और हम लोग 1-2 जोन इधर सर्वाइव करते हैं, उसके बाद में यहाँ पे शेक पर आते हैं। अब यहाँ पे जैसे ही आता हूँ यहाँ पे कूप में 2 बंदे बैठ के जा रहे थे, एक
एक को गाड़ी से खींच देता हूँ, लेकिन प्रिंस भाई को कोई दूसरा बंदा नॉक कर देता है। अब इसके बाद से जो मैच पूरा इंटरेस्टिंग होने वाला है वो देखना, ठीक है। सामने की तरफ मेरे पास तो बहुत सारे स्मोक रहते हैं, मेरा किल भी कंफर्म हो गया, तो मैं फटाफट से यहाँ पे स्मोक कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखना, ये पूरा मैच स्मोक पे बेस्ड है, क्योंकि तुम्हारे भाई ने यहाँ पे बहुत ज्यादा स्मोक करके खेला है, ठीक है। यहाँ पे 3 स्मोक करता हूँ, प्रिंस भाई को रिवाइव करता हूँ। उसके बाद जोन हमारे पास से कल्टी मार लिया था, तो हमारे को भी जोन में जाना था, तो प्रिंस भाई को ये सुई वाली मतलब गाड़ी लेके भेज देता हूँ। मैं थोड़ा पीछे आने की ट्राई करता हूँ, क्योंकि देखो सामने की तरफ ये बंदा था जो प्रिंस भाई को मारने की ट्राई कर रहा था, तो इसको निपटाते हैं। सबसे पहले नॉकआउट कर देता हूँ और सीधा मैं उड़न खटोला यूज करके मैं इस साइड में आ जाता हूँ। अब देखो सामने भी बंदा, इधर भी बंदा, कुल मिला के 8 बंदे अलाइव है। गाड़ी वाले शेक पे रुकते हैं और इनकी फाइट हो जाती है, और इधर से एमजी वाला भी हमारे को मार रहा था। और दिक्कत की बात ये थी कि हमारे पास जोन नहीं था, मतलब थोड़ा सा जोन और आगे जाना पड़ेगा। अब यहाँ पे हमारा किल कंफर्म हो गया था, बंदे बचे हुए थे 7। अब उधर उनकी फाइट वाइट चल रही थी, उनमें से भी एक बंदा नोक था। अब बंदे बचे हुए थे 6। अब यहाँ पे 6 बंदे बचे हुए थे, 2 हमारे तरफ थे, 2 हम थे और 2 शेक के पास थे। अब उनकी भी फाइट चल रही थी और यहाँ पे प्रिंस भाई भी हो जाते नॉकआउट, ठीक है। अब यहाँ पे एकदम सॉलिड फाइट चल रही थी, उस बंदे को मैं थोड़ा डैमेज करने की ट्राई करता हूँ। अब यहाँ पे भाई हमारे से जोन भागे जा रहा था बार बार, ठीक है। तो यहाँ पे मैं स्मोक करता हूँ और एक नेड भी कर देता हूँ, क्योंकि रेंडम नेड कर देता हूँ, क्या पता वो पुश उश करे तो नॉक वॉक हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पे प्रिंस भाई को रिवाइव करता हूँ, जब तक लेफ्ट में फाइट चलती है और प्रिंस भाई को वो बंदा इस कारण स्मोक में मार के निपटा देता है। अब यहाँ पे कुल मिला के 5 बंदे बचे हुए थे, अब उनकी फाइट होती है तो उनमें से एक बंदा निपट जाता है। अब वहाँ पे एक बंदा बचा हुआ था, राइट में 2 बंदे बचे हुए थे। अब यहाँ पे मैं एक स्मोक कर देता हूँ और एक स्मोक बचा रहता है, इसको मेरे को राइट में करना रहता है, लेकिन मैं करता नहीं हूँ। सामने की तरफ से स्मोक खत्म हो जाता है। अब जैसे ही खत्म हो जाता है, मैं जैसे ही अंदर जाता हूँ स्मोक के अंदर, अब रेंडम उसकी बुलेट पड़ जाती है और मेरे को निपटा देता है। कोई भी बंदा होगा तो इजिली वहां पे मेरे को निपटा भी सकता था, क्योंकि वहां पे स्मोक खत्म हो चुका था। लेकिन कैसे ना कैसे करके तुम्हारे भाई ने इस मैच में #2 निकाला और 25 प्लस किया, ठीक है। और रेंडम के साथ था, तो भाई एक मैच में तो प्लस ही नहीं हुआ, दूसरे मैच में 9 प्लस हुए थे। और भाई वो गाड़ी लेके भग गया था ना रेंडम टीममेट, भाई इतना ज्यादा गुस्सा आया था, हद से ज्यादा यार। कौन कौन सा रेंडम टीममेट ऐसा किया आप लोग के साथ, तो जल्दी जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। तो बात करते हैं आज से गेम प्ले का, था यही था आज से गेम प्ले। अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो में कौन सा पार्ट अच्छा लगा उसे कमेंट कर देना, और चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना यार, ठीक है। तुम्हारा भाई छोटा भाई हूँ यार, तो कर दो चैनल को सब्सक्राइब। तो बात करते हैं आज के मतलब कितने रैंक पे चल रहा हूँ, तो सबसे पहले रैंकिंग दिखा देते हैं भाई साहब। आ जाओ डुओ, दोनों 9426 रैंक चल रही है, तो बहुत जल्दी अभी कौन करोड़ पहुंच जाएंगे अपन, दिक्कत की बात नहीं है, 10,000 के अंदर तो आएंगे, ठीक है। टोटल आज के प्लस के बात कर लेते हैं, तो ठीक ठाक ही प्लस कर लिया था आज मैंने, कुछ 82 प्लस किया हूँ। तो यही था जो भी था आज का गेम प्ले, तो मिलते हैं कल शाम 7 बजे एक और बमबार धमाकेदार गेम प्ले के साथ। तब तक लिए अपना ध्यान रखो, अपने फैमिली का ध्यान रखो, तुम्हारे भाई का चैनल का भी ध्यान रखो, और थोड़ा बहुत सपोर्ट वोट करो यार। तो मिलते हैं कल शाम 7 बजे, लव यू, टेक केयर, स्वीट ड्रीम, गुड नाइट एंड बाय। इधर आ, चैनल को सब्सक्राइब करके जा।